हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में हम चार टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ये चारों टॉपिक बहुत ही छोटा होने वाला। फटाफट से आप लोग का जितना भी कंफ्यूजन है ये वीडियो में सम अप करेंगे और होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जितना भी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे बीजा में क्लासिक क्रिएट से रिलेटेड। तो अगर आपने कल शाम वाला वीडियो मेरा देखा होगा उसमें आपको याद होगा मैं बोला था कि क्लासिक क्रिएट का भले ही जो एंडिंग डेट है वो एक दिन दिख रहा है बट वो तुरंत से आपको रिफ्रेश होते हुए नहीं दिखेगा बीजा में के अंदर। कुछ दिन का गैप रहेगा, उसके बाद आपको न्यू क्लासिक क्रिएट देखने को मिलेगा। और एक मैं अप्रॉक्सिमेट टाइम भी आपको बताया था 25 या 26 से लेके 2 अगस्त के अंदर ही आपको नेक्स्ट क्लासिक क्रिएट देखने को मिलेगा। और आज सुबह जैसे आप गेम ओपन किए होंगे तो अभी आप देख पा रहे हो क्लासिक क्रिएट का जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिया गया और ये काफ़ी अच्छा चीज़ किया गया बीजेएमआई की तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता, बहुत लोग कन्फ्यूज में इधर उधर वीडियोज देखते रहते क्योंकि जो टाइम है वो एक दिन दिख रहा था, उसके बाद ये क्लासिक क्रिएट का टाइम जैसे खत्म होगा फिर क्लासिक क्रिएट सुबह को दिखता है तो बहुत लोग इधर उधर भटकते रहते हैं कि भाई क्लासिक क्रिएट कहाँ गया। तो इसलिए ये चीज़ किया गया और ये चीज़ काफ़ी अच्छा किया गया, जिसमें ये होगा 6 दिन बाद जैसे क्लासिक क्रिएट खत्म होगा उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लासिक क्रिएट 2.1 का देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ कोई भी गलत नहीं किया गया, बीजेएमआई की तरफ से 100% सही किया गया और ये परफेक्ट है। अभी आपको नेक्स्ट क्लासिक क्रिएट 6 दिन बाद ही देखने को मिल जाएगा जो कि एकदम एग्जैक्ट है। पहले भी 6 दिन बाद ही आता बट पहले क्या होता था कि जल्दी चल जाता था और बीच में कोई भी क्रिएट नहीं आता था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता था बहुत सारे यूजर को। उन लोगों के पास क्लासिक क्रिएट है, ओपन करने का मन है बट ओपन करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए ये चीज़ को फिक्स करने के लिए बीजेएमआई इसका डेट को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, पहला डाउट आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा। अभी हम लोग आते हैं सेकेंड डाउट में, वो है कि रॉयल पास के अंदर हम लोग का जो रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड है अभी टाइम लिमिटेड देने लगा है। एक्चुअली बता देता कि रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड को टाइम लिमिटेड नहीं कर दिया गया, रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड को बदल दिया गया। कैसे, चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इधर आप देख पा रहे रैंक 4 में आप देख पा रहे रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, उसका थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपको वापस एक और रेटिंग प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है और इसका लोगो ध्यान से देखिएगा, ये लोगो आपको याद रखना होगा। उसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ इन्वेंट्री में और इसमें हम लोग क्लिक करते हैं और ये जो रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड जो हम लोग को मिला लोगो आप देख पा रहे, ये हम लोग को अभी मिला है 2। और उसके बाद पहले से जिसका रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड होगा, और चलो थोड़ा नीचे चलते हैं और इधर आप देख पा रहे हो दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं है। आपका जो पुराना रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड है उसको टाइम लिमिटेड नहीं किया गया, एक तरह का नया रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड आपको रॉयल पास के अंदर दिया जा रहा है। और ये दोनों रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड का काम तो एक ही है बट ये होगा कि दोनों का वैलिडिटी अलग अलग होने वाला है। ये जो रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड जो आप देख पा रहे हैं अभी भी आपको मिलने वाला है दूसरी जगह से, मैं आपको दिखाने वाला, और ये परमानेंट है, आप जब मन करे तब आप यूज़ कर सकते हो। क्राउन तक अगर हो तो क्राउन में कभी भी यूज़ करोगे तो आपका ट्रॉफी माइनस नहीं होगा। और ये जो रेटिंग प्रोटेक्शन आप देख पा रहे हो इसका भी यूज़ तो दोनों सेम है बट ये रेटिंग प्रोटेक्शन का ये है कि जब तक ये जो सीज़न है मंथ 13 चलने वाला है तब तक ये रेटिंग प्रोटेक्शन काम करेगा और उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ये एक तरह का बोल सकते हैं रॉयल पास रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड है और ये जो रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड आप देख पा रहे हो ये परमानेंट रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड है। ठीक है, दोनों में अंतर आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये तो आपको पता चले कहाँ से मिलने वाला, फ्री रिवॉर्ड में आपको मिल जाएगा 4th लेवल में और 14th लेवल में। और ये जो रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड आप देख पा रहे ये आपको मिलने वाला है सीजन से। इधर आप देखो सीजन से क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख पर टीयर रिवॉर्ड में क्लिक करेंगे और उसके बाद क्राउन टीयर में जैसे आप पहुंचने वाले हो तो ये जो आपको रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड मिलेगा ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, ये पहले भी परमानेंट मिलता था अभी भी परमानेंट मिलेगा और ये आप हमेशा के लिए रख सकते हो। एक सीजन में आपको 3 बार मिलेगा, मतलब 2 महीना में 3 बार मिलेगा और जो रॉयल पास वाला रेटिंग प्रोटेक्शन होने वाला है आपको 2 महीना में 4 बार मिलेगा। ठीक है, 4 आप यूज़ कर सकते हो, M13 में 2 मिलेगा, M14 में 2 मिलेगा, तो दोनों को आपको यूज़ करना होगा एक ही सीजन में। तो होपफुली आपका सेकेंड डाउट भी क्लियर हो गया कि कार्ड बदल नहीं दिया गया, कार्ड ही नया ला दिया है जो कि आपको रॉयल पास रिवॉर्ड में दिखेगा, क्योंकि इस बार रॉयल पास रिवॉर्ड बहुत सारा चेंजेस हुआ है। उसके साथ साथ एक और रॉयल पास रिवॉर्ड ये तो चेंज हुआ ही है, उसके साथ साथ एक और रॉयल पास भी है रिवॉर्ड जो कि हम लोग को 35 लेवल में मिला और इसका लुक बहुत लोग देखे नहीं कैसे आपका मोमेंट में देखने को लगेगा। चलो ये भी मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो इसमें हम लोग मोमेंट में क्लिक करते हैं, उसके बाद हम पोस्ट स्टेटस में क्लिक करेंगे और मैं तो इसको एक्टिव करके रखा हूँ, आपका ऐसे रहेगा डिफॉल्ट में। तो फर्स्ट टाइम जैसे आओगे तो इसको पहले क्लिक कीजिए, यूज़ कीजिए, तब जाके ये एक्टिव होगा। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे लिख के आप ऐसे कर सकते हो, उसका पोस्ट कर लीजिए। ठीक है, इधर आप देख पा रहे हैं ऐसा कुछ लुक रहने वाला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अपकमिंग डेज में और भी इसका थीम मिलने वाला है, 2 तो आपको अचीवमेंट में मिलेगा, 1 आपको रॉयल पास के अंदर, और फ्यूचर में आपको अलग अलग रिवॉर्ड में भी ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग, जितना ज़्यादा महंगा जगह से लोगे उतना ज़्यादा इसमें लुक अच्छा रहेगा।
BGMI को अपना मोमेंट को ठीक करना चाहिए, तब जाके लोग और भी इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। ओके गाइज, अभी हम लोग आते हैं फाइनल टॉपिक में, फोर्थ टॉपिक। इसमें इवेंट में क्लिक करते, इधर आप देख पा रहे रिकॉल इवेंट, और इसमें आपको पता होगा कि हर एक दो महीना बाद बाद ये रिसेट होता है, और उसके साथ साथ इसका जितना भी कॉइन्स जो आप जमा करते इन्वेंट्री में, मैं पहले बता दिया हूं, ये एक्सपायर हो जाता था, इसलिए आपको दो महीना के अंदर जो टोकन्स मिलेगा उसको यूज़ करना पड़ेगा। अब पिछले तीन चार बोल सकते हो सीजन से ये अभी तक चेंज ही नहीं हुआ जो आप रिवॉर्ड देख पा रहे हो, तो ये रिवॉर्ड तो अभी तक चेंज नहीं हुआ, बट पबजी का कुछ कुछ रीजन में रिवॉर्ड चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है BGMI का भी रिवॉर्ड चेंज होने वाला। तो कौन सा न्यू रिवॉर्ड आने वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, कब आएगा वो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिवॉर्ड कुछ इस तरह होने वाला है। इधर आप देख पा रहे, सबसे पहला जो चीज़ हम लोग का बैरल रिप्लेस होने वाला है AKM से, तो AKM का जो कॉस्ट आप देख पा रहे 160 कॉइन होने वाला है। ये AKM साइज से आपके पास होना चाहिए, उसके 100 कॉइन्स आप ये वाला जोकर वाला या सर्कस वाला बैकपैक ले सकते हो, जो कि शायद अचीवमेंट में लेने के लिए बोला गया, जो कि आप फ्री में ले पाओगे। उसके साथ साथ ये रेड वाला सेट जो है वो 60 कॉइन्स आप ले पाओगे, 120 कॉइन्स से आप वाला पूरा आउटफिट भी ले पाओगे। उसके बाद आप पेंट ले सकते हो 15 टोकन से, और आप ये टोटल 4 बार ले सकते हो। उसके बाद है सबसे बेकार चीज़ पैरासूट, उसको इग्नोर करो। उसके बाद है प्रीमियम स्क्रैब आप ले सकते हो 10 4-4 दे के कॉइन। उसके बाद क्लासिक स्क्रैब आप ले सकते हो 15 2-2 कॉइन दे के। उसका सप्लाई स्क्रैब भी आप 1-1 टोकन दे के ले सकते हो, जो कि 20 टाइम्स आप ले पाओगे। और AG करेंसी आप देख पर 15 बार ले सकते हो 1-1 टोकन दे के। तो ये काफ़ी ठीक ठाक सा है रिवॉर्ड, ये भी आ जाएगा तो अच्छा है। तो ये रिवॉर्ड अभी कुछ कुछ रीज़न है पबजी का रिफ्लेक्ट कर रहा, मोस्ट प्रॉब्ली आप जैसे ही पूरा रीजन में आ जाएगा तो BGMI के अंदर भी ये नया वाला रिवॉर्ड आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिख जाएगा, तो आप इसमें कुछ भी चीज़ रिडीम कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ये वीडियो को इतना रखते हैं, बहुत सारा छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन था, मैं आपको सम अप करके बता दिया, होपफुली जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।